वेलकम टू द चैनल आरवी फैंटेसी 7। इस वीडियो में हम बात करने वाले सीबीए लीग का जो मैच होने वाला है जहाजिंग गोल्डन बुल्स वर्सेज जहाजिंग लायंस के बीच में। दोनों टीम का अगर कंपैरिजन करें तो जहाजिंग गोल्डन बुल्स जो है तो पॉइंट टेबल पर थर्ड पोजीशन पर है और जहाजिंग लायंस जो है तो पॉइंट टेबल पर सिक्स पोजीशन पर है। लेकिन अगर बात करेंगे जहाजिंग गोल्डन बुल्स और जहाजिंग लायंस, दोनों अपने मेन प्लेयर के साथ नहीं खेल रही, खास करके जहाजिंग गोल्डन बुल्स जिनके सभी मेन प्लेयर यहाँ पर खेल नहीं रहे। बाकी आज का मैच यहाँ पर कन्फर्म नहीं खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे। बाकी अगर यहाँ पर जो भी अपडेट्स आ जाती है, फाइनल लाइनअप आ जाती है, उसके अकॉर्डिंग आपको फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हो तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। लिंक वर्क नहीं करते तो टेलीग्राम पर सर्च करना @RVFantasy7 और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होने से पहले यूट्यूब चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना। बाकी बात करेंगे दोनों टीम की तरफ से प्रोबेबल स्टार्टर जो रिसेंटली मैचेस से एज ए स्टार्टर करते आ रहे। सबसे पहले जहाजिंग गोल्डन बुल्स क्यू, जो लास्ट मैच यहाँ पर खेले नहीं थे, सेकंड मैच खेले थे, टाइम बहुत कम मिला था, शायद इंजर्ड हो गए थे। सी जे पेंग रिसेंटली दो मैचेस में 40 मिनट यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर खेलते हुए आ रहे। मस्त है, 8.5 क्रेडिट के प्लेयर है। इन द एब्सेंस ऑफ क्यू टाइम इनको अच्छा खासा मिलेंगे और अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी यहाँ से ये आपको देंगे और ऑलमोस्ट 100% अपोनेंट के पास आपके ये रहने वाले अगर क्यू नहीं खेलते। सी जे पेंग मस्त है और बेस्ट पिक यहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएंगे। शूटिंग गार्ड वाइबो यंग यहाँ से लास्ट मैच खेली नहीं थी, एक्सलेंट ने यहाँ से स्टार्ट किया था। स्मॉल फॉरवर्ड से यहाँ पर यम नॉयडर रिसेंटली दो मैचेस से एज स्टार्टर करते हुए, डब्ल्यू जुलू ने लास्ट मैच में स्टार्ट किया था, एक जो भी लास्ट मैच यहाँ पर खेले नहीं थे जो इस टीम की तरफ से स्टार प्लेयर है। उसी के साथ साथ यहाँ पर सेंटर से आपको एज ए स्टार्टर यहाँ पर देखने को मिलेंगे जे यल जाओ, जो कि यहाँ पर 6.5 क्रेडिट के प्लेयर है। लास्ट मैच में स्टील और ब्लॉक इन्होंने बढ़िया किए थे, स्टील और ब्लॉक मिलकर 4 यहाँ पर स्टील और ब्लॉक इन्होंने दिए थे। बाकी बेस्ट पे क्या से अवेलेबल हो जाएंगे 6.5 क्रेडिट के प्लेयर। प्रोबेबल स्टाइल 5 स्टार्टर आपको यहाँ पर जेडजीबी की तरफ से ये देखने को मिल सकते हैं जो लास्ट मैच में एज ए स्टार्टर करते हुए आए थे। बाकी बहुत ज़्यादा चेंजेस होने की इसमें भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि यहाँ पर स्टार प्लेयर इनके लास्ट मैच भी खेलने रहे थे, हो सकता है आज के मैच में बहुत ज़्यादा ऐसे चेंजेस होंगे। बाकी अगर जहाजिंग लायंस की अगर बात करूँ तो जहाजिंग लायंस की तरफ से यश मुंगू स्टार्ट करेंगे पॉइंट गार्ड से, बेस्ट पिक है। उसी के साथ साथ एबजिंग एज ए बेंच प्लेयर खेलेंगे, टाइम अच्छा खासा मिलता है। बाकी वाइजो और के फील्डर दोनों यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बेस्ट पिक चॉइस के फील्डर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर जंके हो बेस्ट इस पिक चॉइस आज के मैच के लिए क्योंकि स्टार प्लेयर में फिर एक ही ऐसे प्लेयर है जंके हो जो कि रिसेंटली मैचेस यहाँ पर खेलते हुए आ रहे। बाकी सेंटर से जेजू स्टार्ट करेंगे, यम रोडेली का यहाँ पर खेलने रहे तो यम रोडेली की जगह पर आपको जेजू यहाँ पर एज ए स्टार्टर करते हुए देखेंगे। प्रोबेबल 5 स्टार्टर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जजिंग लाइन की तरफ से। बाकी लास्ट मैच का अगर परफॉर्मेंस करेंगे यस मिंगू स्टार्ट करेंगे, एबजिंग एज ए बेंच प्लेयर खेलेंगे, बेस्ट बेंच प्लेयर है, टाइम इनको बेस्ट मिलता है। लास्ट मैच का जो परफॉर्मेंस रहा था शो मिंगू का परफॉर्मेंस, टाइम मिला था 24 मिनट, उसमें दे रहे थे उन्होंने 11 पॉइंट 2 रिबाउंड 2 असिस्ट और 3 स्टील। जो सेकंड मैच रहा था, सेकंड मैच में भी इनका परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो बेस्ट आया था 19.3 रिबाउंड 8 असिस्ट और 1 स्टील के साथ। बाकी एबजिंग का लास्ट मैच का परफॉर्मेंस एज ए बेंच प्लेयर खेलकर 26 मिनट खेलकर 7.6 रिबाउंड 12 असिस्ट और 2 स्टील। जो सेकंड मैच रहा था यहाँ पर 18 मिनट खेलकर 2.1 रिबाउंड 6 असिस्ट और 1 ब्लॉक इनके तरफ से आए थे। तो यहाँ पर पॉइंट भी अच्छे खासे देंगे एबजिंग, प्लस यहाँ पर आपको स्टील और रिबाउंड भी अच्छे खासे दे सकते हैं। बाकी शाओमिंग स्टार्ट करेंगे, टाइम बेस्ट मिलेगा, मस्त है। खास करके जब यहाँ पर स्टार प्लेयर नहीं खेल रहे तो आपको यहाँ से क्रेडिट की यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं। बाकी वाइजू यहाँ से स्टार्ट करेंगे, के फील्डर स्टार्ट करेंगे, दोनों मस्त आए, ऑफेंसिव चार्ज दोनों संभालेंगे, खास करके के फील्डर बेस्ट यहाँ पर पीपी चॉइस आज के मैच में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। लास्ट मैच का परफॉर्मेंस 31 मिनट खेलकर 8.8 रिबाउंड 8 असिस्ट और उसी के साथ साथ एक इन्होंने स्टील किया था। उसी के साथ साथ वाइजू का परफॉर्मेंस 21 मिनट खेलकर, टाइम बहुत कम मिला था लेकिन परफॉर्मेंस बेस्ट आया था फिर भी 18.3 रिबाउंड 1 असिस्ट 1 स्टील। जो सेकंड मैच रहा था 26 मिनट खेलकर वाइजू का परफॉर्मेंस 15.7 रिबाउंड 1 असिस्ट और 1 स्टील। के फील्डर का परफॉर्मेंस 24.4 रिबाउंड 7 असिस्ट और 3 इन्होंने यहाँ पर स्टील किए थे। बाकी के फील्डर अटेम्प्ट ऑफ शॉट बहुत ज़्यादा करेंगे क्योंकि इनके स्टार प्लेयर खेल नहीं रहे तो ऑफेंसिव चार्ज के फील्डर संभालेंगे। वाइजू टाइम कम मिलेगा लेकिन उतने टाइम में इनको उतने टाइम में आपको आपको ये बेस्ट यहाँ पर पॉइंट दे देंगे। बाकी स्मॉल फॉरवर्ड से यहाँ से कोई स्टार्ट नहीं करेगा, जिंगलोंग ली बैन से बेस्ट टाइम मिलेगा। उसी के साथ साथ जेड जिंगलोंग को भी टाइम यहाँ पर अच्छा खासा मिलता है। बाकी जीएल के लिए दोनों पिक में यहाँ पर इनको रिकमेंडेड करूँगा, खास करके जिंगलोंग ली का लास्ट मैच बढ़िया गया था, 14.1 रिबाउंड और 1 स्टील इनका आया था। बाकी जिंगलोंग जो का परफॉर्मेंस 3.3 रिबाउंड और 1 स्टील लास्ट मैच में आए थे। जिंगलोंग ली सेकंड मैच में भी यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस आया था 18.3 रिबाउंड 2 असिस्ट के साथ, मस्ट है, ट्राई करना। क्रेडिट से और आपको जिंगलोंग ली अवेलेबल हो जाएंगे, 6 क्रेडिट के प्लेयर है। पावर फॉरवर्ड से जेंक्यू स्टार्ट करेंगे, बेस्ट एस पी चॉइस आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। लास्ट मैच का परफॉर्मेंस जेंक्यू का 30 मिनट खेलकर 14.8 रिबाउंड 2 असिस्ट 1 ब्लॉक 1 स्टील। जो सेकंड मैच रहा था 42 मिनट खेलकर बेस्ट परफॉर्मेंस आया था रिबाउंड और पॉइंट के साथ, उसी के साथ साथ 1 असिस्ट और 2 स्टील भी किए थे। और थर्ड मैच में भी आप फिर से देख सकते हैं आप रिबाउंड और असिस्ट
रिबाउंड इनके तरफ से बेस्ट आए थे, प्लस पॉइंट बेस्ट आए थे और 4 असिस्ट भी इनके तरफ से आए थे। तो बेस्ट यहाँ पर एसपी चॉइस आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। सेंटर से यम रुलिलिका जो कि यहाँ पर खेलने रहे थे, जेजू यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। जेजू का लास्ट मैच का परफॉर्मेंस 24 मिनट के अगर 3.5 रिबाउंड 2 असिस्ट और 2 ब्लॉक और 1 स्टील इनके तरफ से आए थे। जो सेकेंड मैच रहा यहाँ पर भी 19 मिनट खेलकर इनके तरफ से आए थे 5 पॉइंट प्लस यहाँ पर 5 रिबाउंड और 2 ब्लॉक इनके तरफ से आए थे। बाकी एज अ स्टार्टर खेलेंगे रिसेंटली मैचेस में टाइम इनको यहाँ पर एवरेज यहाँ पर 22 मिनट मिला है। ट्राई कर सकते हो, 5 क्रेडिट के प्लेयर है एज अ क्रेडिट सेवर। बाकी अगर ZGB की तरफ से बात करूँ तो बहुत ज़्यादा इनके स्टार प्लेयर खेल नहीं रहे। क्यू जो कि यहाँ पर इंजरी की वजह से आउट है, आज का मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे अभी कन्फर्म नहीं हो सकता है। यहाँ पर 90% यहाँ पर आज का मैच ये भी नहीं खेलेंगे। सी चेपेंग स्टार्ट करेंगे, टाइम इनको बेस्ट मिलेगा। रिसेंटली मैचेस में यहाँ पर 40 मिनट एवरेज यहाँ पर खेलते हुए, लास्ट मैच का चेपेंग का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 40 मिनट यहाँ पर भी खेले थे, 16.6 रिबाउंड 7 असिस्ट 3 स्टील। जो सेकंड मैच रहा था यहाँ पर भी 42 मिनट खेलकर 8.8 रिबाउंड 8 असिस्ट और 1 स्टील इनके तरफ से आया था। बाकी बेस्ट पिक है, मस्ट ट्राई करना इन द ऑप्शंस क्यू, टाइम इनको बेस्ट मिल रहा है तो बेस्ट पिक यहाँ से मिल जाएंगे। वाइपुयांग जो कि लास्ट मैच खेले नहीं थे, एक्सलिन यहाँ पर लास्ट मैच में एज स्टार्टर खेले थे। एक्सलिन का लास्ट मैच का परफॉर्मेंस 32 34 मिनट खेलकर 13.2 रिबाउंड 5 असिस्ट और 1 स्टील इनके तरफ से आया था। बाकी जो सेकंड मैच रहा था एक्सलिन का, तो एक्सलिन यहाँ पर खेले थे एज अ बेंच प्लेयर, लेकिन यहाँ पर परफॉर्मेंस टाइम भी कम मिला था और परफॉर्मेंस भी बहुत लो आया था। 2 मिनट में बस एक ही यहाँ पर इन्होंने यहाँ से रिबाउंड दिए थे। बाकी स्टार्ट करते तो अच्छे खासे पिक यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। 6 क्रेडिट के प्लेयर है, अगर वाइवन खेलते तो स्टार प्लेयर है, मस्ट है यहाँ पर पिक करना। यस लैंडबर्ग रिसेंटली मैचेस से एज अ बेंच प्लेयर खेल रहे हैं, टाइम इनको अच्छा खासा नहीं मिल रहा है, ड्रॉप करके चले जा सकते हो, क्रेडिट बहुत ज़्यादा है। यम नॉइडर 8 क्रेडिट के प्लेयर है, स्टार्ट करेंगे, टाइम अच्छा खासा मिल रहा है प्लस यहाँ पर पॉइंट भी अच्छे खासे दे रहे हैं। डब्ल्यू जिली दोनों यहाँ पर रिसेंटली मैचेस में दोनों ने यहाँ पर स्टार्ट किया था, खास करके यम नॉइडर का लास्ट मैच का परफॉर्मेंस 19 मिनट खेलकर 10.5 रिबाउंड और 1 असिस्ट इनके तरफ से आए थे। जो सेकंड मैच रहा था सेकंड मैच का परफॉर्मेंस भी अगर देखेंगे यम नॉइडर का, 16 मिनट खेलकर 10.10 रिबाउंड 2 असिस्ट 1 ब्लॉक और 1 स्टील, क्रेडिट सेवर है, आपको इजिली यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी 8 क्रेडिट के प्लेयर है, टाइम बेस्ट मिल रहा है, रिबाउंड और पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा दे रहे, तो मस्ट है ट्राई करना। और हो सके तो जीएल में, हो सके तो इनके साथ जीएल में एसपी या फिर पीपी ट्राई करना, क्योंकि यम नॉइडर को टाइम कम मिल रहा है लेकिन कम टाइम में भी अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखेंगे लास्ट मैच में भी 19 मिनट में 10.5 रिबाउंड 1 असिस्ट, थोड़ा सा रिस्की है जीएल में भी यहाँ पर इनको पीपी बनाना, लेकिन रिस्क आप ले सकते हो। जो सेकंड मैच रहा था यहाँ पर भी 10.10 रिबाउंड 2 असिस्ट और 1 ब्लॉक और 1 स्टील इनके तरफ से आया था, तो इनकी टीम की तरफ से सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस इनका आया था। बाकी टाइम पर डिपेंड है, टाइम मिलेंगे तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस देंगे। यस लैंडबर्ग 20 क्रेडिट के प्लेयर है, अवॉइड कर सकते हो, रिसेंटली मैचेस में एज अ बेंच प्लेयर खेले थे, लास्ट मैच बहुत खराब हुआ था, 10.3 रिबाउंड 1 असिस्ट 2 स्टील के साथ। जो सेकंड मैच रहा था यहाँ पर बेस्ट गया था 36.6 रिबाउंड और 2 असिस्ट के साथ, और फिर से यहाँ पर थर्ड मैच में 30 मिनट खेलकर 33.7 रिबाउंड 1 ब्लॉक और 1 स्टील इनके तरफ से आया था, पर बैन से खेलते हैं, टाइम कंफर्म नहीं कितना मिलेगा। बाकी यहाँ पर अगर बेस्ट पॉइंट देंगे तो यहाँ पर जीएल में ट्राई करना, उसके साथ साथ एसपी या फिर पीपी यहाँ से इनको ट्राई करना। एक्जू रिसेंटली मैच खेल नहीं रहे, स्टार प्लेयर है लेकिन मैच यहाँ पर रिसेंटली ये भी खेल नहीं रहे, लास्ट मैच एक्जू खेले नहीं थे, उसी के साथ साथ जो सेकंड मैच रहा था देख सकते हैं एक्जू का परफॉर्मेंस, टाइम बेस्ट मिला था उस बेस्ट टाइम में 31.8 रिबाउंड 1 असिस्ट 1 ब्लॉक और 3 स्टील इन्होंने यहाँ पर दिए थे। हो सकता है आज का मैच यहाँ पर खेल लेंगे क्योंकि लास्ट मैच में इनके बारे में कोई इंजरी अपडेट्स नहीं, तो आज का मैच आपको यहाँ पर ही खेलते हुए देख सकते हैं। यन रॉकविक सेंटर से खेलेंगे एज अ बेंच प्लेयर, मस्ट है ट्राई करना, रिसेंटली मैचेस में अगर देखेंगे यन रॉकविक का परफॉर्मेंस 30 मिनट खेलकर 10.10 रिबाउंड और 1 असिस्ट इन्होंने दिया था। जो सेकंड मैच रहा था तो इनको टाइम कम मिलता है, एक तो अगर टाइम मिलेगा तो फिर यहाँ पर ये परफॉर्मेंस दे देंगे। बाकी सेकंड मैच में खेले नहीं थे, थर्ड मैच में स्टार्ट किया था 9.6 रिबाउंड 5 असिस्ट 2 ब्लॉक और 3 स्टील के साथ। बाकी सेंटर से खेलेंगे, अगर यहाँ पर 15+ मिनट खेल जाते तो आपको यहाँ पर रिबाउंड बहुत ज़्यादा यहाँ से दे देंगे। बाकी 12 क्रेडिट के प्लेयर है, बेस्ट पिक यहाँ से मिल जाएंगे। यल जुन हो 6.5 क्रेडिट के प्लेयर है, ये भी बेस्ट पिक यहाँ से मिल जाएंगे। यल जुन हो का लास्ट मैच का परफॉर्मेंस अगर देखेंगे या तो लास्ट मैच में एज अ स्टार्टर खेले थे, 34 मिनट में 4.8 रिबाउंड 2 असिस्ट 2 ब्लॉक और 2 स्टील इन्होंने यहाँ पर दिए थे। बाकी बेस्ट पिक यहाँ से मिल जाएंगे। जो सेकंड मैच रहा था यहाँ पर खेले थे बैन से, 1 असिस्ट और 1 इन्होंने यहाँ पर ब्लॉक किया था। लास्ट मैच में स्टार्ट क्यों किया था, क्योंकि इनके स्टार प्लेयर जो है तो यहाँ पर खेलने रहे थे। बाकी
जो भी फाइनल टीम और फाइनल अपडेट होंगे आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। अगर आपको पता नहीं सीबीए के लाइनअप कैसे चेक करते हो तो उसके भी लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर बात करेंगे ड्रीम इलेवन टीम, तो अभी के लिए क्यू यहाँ से खेलने रहे तो यश मुंगन और एफजी ने यहाँ से दोनों बेस्ट पिक मिल जाएंगे। सीजे पे टाइम बेस्ट मिल रहा है, क्यू नहीं खेल रहे तो शूटिंग गार्ड से आपको वाइजू और के फील्डर दोनों यहाँ से बेस्ट पिक मिल अवेलेबल हो जाएंगे। यस लाइन पर ट्राई कर सकते हो, बाकी अभी के लिए तो मैं इनको अवॉइड करो। बाकी यम डॉइडर टाइम बेस्ट मिल रहा है और बेस्ट परफॉर्मेंस इनके तरफ से आ रहा है। बाकी अगर यहाँ से बात करूँ तो ऑप्शंस आपके लिए बहुत कम यहाँ पर पावर फॉरवर्ड से अवेलेबल हो जाएंगे। जेहू जो कि यहाँ पर बेस्ट एस पी 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 चॉइस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर यन रॉकविक जो कि यहाँ पर सेंटर से खेलेंगे और खेलेंगे एज अ बेंच प्लेयर। अगर 10 मिनट भी खेल जाते हैं तो 10 मिनट में आपको 10 पॉइंट देने के यहाँ पर 10 रिबाउंड देने की इनमें यहाँ पर कैपेसिटी है, और उसी के साथ साथ ब्लॉक और स्टील भी अच्छे खासे करते। बाकी 12 क्रेडिट के प्लेयर है और मैं इनको इनके साथ जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बैंसी खेलेंगे, रिबाउंड बहुत ज़्यादा देंगे और रिसेंटली मैचेस में ब्लॉक और स्टील भी इन्होंने बढ़िया की। अगर यहाँ से बात करेंगे एसपी और पीपी चॉइस की, तो बेस्ट यहाँ पर पीपी चॉइस के फील्डर आपको अवेलेबल हो जाएंगे और जेहू जो कि स्टार्ट करेंगे और ऑफेंसिव चार्ज जेडीएल की तरफ से संभालेंगे जो कि इनके स्टार प्लेयर क्यू खेल नहीं रहे, तो जेहू हो सकता है अच्छे खासे पॉइंट यहाँ से आपको दे देंगे ऑफेंसिव चार्ज संभाल कर। के फील्डर ये भी आपको अच्छे खासे पॉइंट देंगे, गार्ड से खेलेंगे और गार्ड से इनके केओ खेलने रहे तो टाइम इनको अच्छा खासा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा ये कंफर्म नहीं, लेकिन जितना भी टाइम मिलेगा उतने में यहाँ पर ऑफेंसिव चार्ज संभालेंगे और अच्छे खासे पॉइंट यहाँ से शूट कर लेंगे। अगर कनेक्ट करते तो बहुत ज़्यादा ड्रीम इलेवन पॉइंट यहाँ से आपको दे देंगे। यस्मिंगुंग को आप ट्राई कर सकते हो एज ए पी पी, जिनको टाइम बेस्ट मिलता है के फील्डर से भी। बाकी फाइनल टीम फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। और हाँ, सी बी ए के यहाँ पर मैचेस है थोड़े से यहाँ पर रिस्की, क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली मैचेस में जो स्टार प्लेयर है उनको यहाँ पर एक तो सी बी ए में टाइम नहीं दे रहे, प्लस यहाँ पर जो यहाँ पर बेंच प्लेयर जो जिस बेंच प्लेयर को यहाँ पर ये आज के मैच में खेलवा रहे सेकंड मैच में इनको यहाँ पर ये रेस्ट दे रहे। बाकी थोड़े से सी बी ए में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम ही रखना और फाइनल टीम और फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा, उसके साथ साथ आपने लाइक और सब्सक्राइब भी किया होगा। तो मिलते फाइनल टीम के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर।